राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 20 विधायकों का टिकट कटा है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 10 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। अपने ऐलान में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जिले के सिराथू सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। भारत की प्रजातंत्र की सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश की प्रजातंत्र की महापर्व प्रादेशिक चुनाव की शुरू हो गई है। 15 करोड़ मतदाता आने वाले 2 महीने के अंदर अपना अभिव्यक्ति प्रकाश करेंगे। हमारी देश की प्रजातंत्र मजबूत होगी। आज़ादी की जब हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय में हमारी देश की प्रजातंत्र की इस कोरोना की समय में भी एक नई परीक्षा हम देंगे, उसमें हम हमारी प्रजातंत्र की विजय सुनिश्चित है। मित्रों, मैं एक दो प्रमुख विषय उल्लेख करूंगा। हमने पहला चरण और दूसरा चरण की, आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। शेष हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है, उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। कुछ सीटों की गठबंधन की, हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा, इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे हम आपको तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवें और सातवें चरण के हम जैसे जैसे तय होगा उसको बताएंगे। मैं आज प्रत्याशी सूची घोषित करते हुए मैं एक दो चीज़ों की हाईलाइट करूंगा और बाकी उसकी विवरण मेरे मित्र अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, आपके सामने उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब संवेदनशील सरकार कहती है, जब सर्वस्पर्शी समाज कहती है, सिर्फ कहती नहीं है, करके भी दिखाती है। हमने जो कहा उसको किया, कार्यक्रमों में और नेतृत्व में भी। हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही, इस बार भी हमने जो अभी जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। उसकी एक सीट आज हम आपके सामने जब अरुण सिंह जी आपको घोषणा करेंगे उसकी उल्लेख आएगी। आज भी इस प्रकार की एक सीट है, आगे भी इस प्रकार की सीट आएगा। सर्व समाज सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मैं सबसे पहले दो प्रमुख सीटों के बारे में, जो फर्स्ट और सेकंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है, उसमें से दो प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 200
51 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। मित्रों, आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे, हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है, हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने, युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को, 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्रवर प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।